हाई ब्लड प्रेशर आम बीमारियों में से एक है। आजकल हर दूसरा व्यक्ति अचानक बढ़े हुए रक्तचाप से जूझ रहा है। बीपी बढ़ने का कारण अधिक तनाव तो होता ही है, इसके अलावा कई ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से भी समस्या होती है। दोस्तों, सबसे पहले तो खान पान आजकल सही नहीं है। उच्च रक्तचाप का कारण खान पान भी हो सकता है। अगर आपका बीपी अचानक ही बढ़ जाता है तो इसका अर्थ ये भी है कि आपका खान पान ठीक नहीं होगा, इसलिए आपके खान पान पर खास ध्यान आपको रखना होगा, क्योंकि अच्छा आहार लेने से ही आप अपने बीपी को कंट्रोल में कर सकते हैं। ये अचानक बीपी बढ़ने का कारण होता है आपका गलत खान पान। इसके अलावा किडनी से जुड़ी बीमारी भी हाई बीपी का कारण बनती है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको हाई बीपी को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, इसको कैसे ठीक कर सकते हैं, हम आपको बहुत ही सरल अचूक उपाय बताएंगे। आप सभी लोग वीडियो पर बने रहिएगा। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। मैं हूं आपकी दोस्त अंजू राजपूत, और आज हम बात करने जा रहे हैं कि बढ़े हुए बीपी को हम कैसे नॉर्मल कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए आपको पहला उपाय करना होगा, आप 2 चम्मच शहद ले लीजिए और उसमें 1 चम्मच नींबू का रस मिला लीजिए और इसको सुबह शाम पिए। दोस्तों, इससे आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहेगा। दूसरा भी बहुत ही सरल उपाय है, वो है आंवले का रस। आपको नियमित रूप से आंवले का रस पीना चाहिए। आंवले का रस पीने से आपका बीपी नॉर्मल रहेगा। हाई बीपी को कम करने के लिए दोस्तों हमारा तीसरा उपाय है कि आप नारंगी का जूस पिए। सिर्फ और सिर्फ आप नारंगी का ही रस पिए, दूसरा कोई भी जूस ना लें। आप देखेंगे कि इससे आपका ब्लड प्रेशर बराबर आएगा, नॉर्मल हो जाएगा। दोस्तों, चौथा उपाय हमारा कुछ इस तरह से है कि सुबह शाम खाली पेट 2-3 पीस पपीता खाने से आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहेगा। तो आप लोग अपने खाने में शामिल कर लीजिए पपीता। आपको बहुत ज़्यादा पपीता नहीं खाना है, सिर्फ 2-3 पीस ही खाने हैं। इससे आपका बीपी कंट्रोल रहेगा, बिल्कुल भी बीपी नहीं बढ़ेगा। और हमारा जो पांचवा उपाय है वो है सौंफ, जीरा और मिश्री। इन तीनों को आप बराबर मात्रा में मिला लीजिए और पीस कर इसका चूर्ण बना लीजिए। इस चूर्ण को सुबह शाम सेवन करिए, इससे आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहेगा। और हमारा छठा उपाय है दोस्तों, ये भी बहुत ही ज़्यादा कारगर है, इससे बहुत सारे लोगों को फ़ायदा हुआ है। तो छठवां उपाय हमारा है कि आप 5 ग्राम त्रिफला चूर्ण ले लीजिए और रात को सोने से पहले गर्म पानी के साथ इसका नियमित सेवन करें। आप देखेंगे कि आप इस बीमारी से पूरी तरह से निजात पा जाएंगे, बढ़े हुए बीपी से आपको छुटकारा मिल जाएगा। दोस्तों, आशा है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। ये नुस्खे हमारे सारे काम के हैं, आप लोग ज़रूर आजमाना। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोग खुश रहिए, मस्त रहिए, अपना ध्यान रखिए।